दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं जबरदस्त सा गर्मियों का शरबत, गर्मियों का ड्रिंक जो है गोंद कतीरा से बनने वाला। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक अदद बोल ले लिया। उस बोल के अंदर हम ये गोंद कतीरा शामिल करेंगे 15 ग्राम, और इसके अंदर पानी डाल के तो छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये पानी इसके अंदर हम हैंडसम मकदार में डालेंगे और इसको हम सारी रात भीगने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों याद रहे कि ये फूलता है, इसलिए इसके फूलने के लिए आपने एक बड़ा बर्तन लेना है, ऐसा बर्तन जिसमें इसको फूलने में कोई रुकावट ना हो। क्योंकि अगर इसके फूलने में रुकावट होगी और इसी तरीके से नहीं फूलेगा तो बाद में जाके मैदे में फूलेगा, जो कि नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो इसलिए पहली टिप तो इसकी ये है कि जब आप इसको फुलाने लगें, यानी इसको भिगोने लगें, तो इसको बड़े बर्तन में भिगोइए, थोड़े खुले बर्तन में, ताकि ये मुकम्मल तौर पर पूरे तौर पर फूल सके। और दोस्तों अब यहाँ पर ले लिए एक और बोल हमने। इस बोल में हम तुख्मे मलंगा लेंगे और एक खाने का चम्मच इसमें शामिल कर देंगे, और इसके अंदर भी पानी डाल के इसको छोड़ देंगे। इन दोनों को हमें भीगे रहने देना है ताकि हम इसको बाद में इस्तेमाल कर सकें। तो जब ये दोनों अच्छी तरह से फूल जाएंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप्स करेंगे। तो दोस्तों अब जो यहाँ पर हमने गोंद कतीरा भिगो लिया था वो बिल्कुल फूल चुका है, अब ये जाएगा इस ब्लेंडर जग में। दोस्तों ये गोंद कतीरे का शरबत गर्मियों के लिए बहुत ही जबरदस्त है, इसका मिजाज सर्द होता है। दोस्तों गोंद कतीरा ताकत का खजाना है, ये जिस्म की गर्मी दूर करता है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देता, लू लगने से भी बचाता है, दर्दों से आराम देता है, इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, ये मेदे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, इसी तरह ये अंदरूनी जख्मों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों इसके अंदर हमने आधा शामिल किया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमने गुड़ ले लिया था और उसको हमने यूं टुकड़े टुकड़े कर लिया था, अब इस गुड़ को भी इसके अंदर हम डालेंगे। दोस्तों ये गोंद कतीरा कमर्शियल लेवल पर चीजों को गाढ़ा करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मतलब जो हमने बाजार में हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, उनमें अक्सर गोंद कतीरे का इस्तेमाल किया गया होता है। तकरीबन 6 टेबलस्पून है ये, और अब जो तुख्मे मलंगा हमने भिगो लिया था वो भी इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन ये भी 6 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल किए हमने। और कोशिश ये करनी चाहिए अगर गोंद कतीरा इस्तेमाल करना हो तो जो धूप निकला हुआ टाइम है, जिस टाइम पर धूप निकली हुई हो उस टाइम पर इसको इस्तेमाल करें, साए के टाइम पर इसको इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये इंतहाई ज्यादा सर्द होता है। और ये जोड़ों की लुब्रिकेशन का भी काम करता है, यानी जोड़ों के दरमियान चिकनाई में इजाफा करता है ताकि रगड़ ना खाएं आपस में, यानी आर्थराइटिस से बचाव का जरिया है। और अब इसके अंदर जाएगा पानी। और कोशिश ये करनी चाहिए अगर गोंद कतीरा इस्तेमाल करना हो तो जो धूप निकला हुआ टाइम है, जिस टाइम पर धूप निकली हुई हो उस टाइम पर इसको इस्तेमाल करें, साए के टाइम पर इसको इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये इंतहाई ज्यादा सर्द होता है। और साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे हम बर्फ के कुछ क्यूब्स, और अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। हज़रत शद्दाद बिन औस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को इबादत में लगाए और मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए अमल करे, जबकि बेवकूफ़ वो है जो अपने नफ्स की पैरवी करे और अल्लाह ताला से उम्मीद रखे। तो दोस्तों अब यहाँ पर बर्फ़ के कुछ क्यूब्स मैंने ले लिए, इस बोल के अंदर यहाँ शामिल कर देंगे, और जो हमारा ब्लेंड किया हुआ अमेजा है वो जाएगा इस बोल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अलावा ये शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत ही मुफीद है, लेकिन दोस्तों कुछ एहतियातें जरूरी हैं। गोंद कतीरा नजला जुकाम में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हामला और दूध पिलाने वाली खवातीन भी इसके इस्तेमाल न करें, मोटापे के शिकार लोग इसको ज्यादा इस्तेमाल न करें क्योंकि ये मोटापे में मजीद इजाफा कर सकता है। तो बेहतर ये कि अगर कोई शख्स पहले से मोटापे का शिकार है तो वो इसको वक्फे वक्फे से इस्तेमाल करें, लगातार इसका इस्तेमाल न करें, और ये रिकमेंडेड है कि इसको हफ्ते में 3 बार से ज्यादा कोई भी इस्तेमाल न करें। फैबुलस, माशाल्लाह, ये देखिए हमारा शानदार सा गोंद कतीरा का शरबत बनके तैयार है। तो दोस्तों ताकत और सेहत के लिए जबरदस्त ड्रिंक है, खासतौर पर गर्मियों के लिए, इस तपती गर्मी में, इस जलाती गर्मी में ये बड़ी अक्सर चीज है। आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा इंशाल्लाह। दोस्तों ये देखिए माशाल्लाह, फैबुलस, बहुत ही शानदार। दोस्तों गर्मियों में बना के पियेंगे तो ये एक कूलिंग एजेंट का काम करता है, ये आपके मेदे पर ग्राम भी नहीं गुजरता, आपके मेदे को ठंडक पहुंचाता है, गर्मी का तोड़ है, डिहाइड्रेशन से बचाता है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा मिकदार का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, यानी इसको आप हफ्ते में 3 दिन से ज्यादा इस्तेमाल न करें। तो दोस्तों आप इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह, शानदार हमारा जूस। तो दोस्तों इस तरह की कुदरती चीजें पीजिए, हमने आपको बहुत सारी रेसिपीज दी हैं जिनमें से एक ये भी है, कुदरती चीजें पीजिए ताकि फायदा उठाइए और नुकसान से बचिए और जो बाजारी चीजें हैं उनसे महफूज रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ माशाल्लाह,
बहुत ही टेस्टी, और इसमें जो गुड़ शामिल किया है उसने तो इसको इसका लुत्फ ही दोबारा कर दिया है। तो दोस्तों अगर आप बनाना चाहें तो इसको दूध में भी बना सकते हैं, और इसके अंदर अगर आप जामशीरी वगैरह डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे फिर इसका कुदरती जो अंदाज है वो जाता रहेगा। तो बेहतर यही है कि इसको आप गुड़ या शक्कर के साथ बनाएं, जिससे इसका जो कुदरती एसेंस है वो कायम रहे और इसका फायदा भी ज्यादा रहे। तो दोस्तों उम्मीद है कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में सत्तू ना हो ये तो कोई बात ही ना बनी ना, और खास तौर पर उस वक्त जबकि अभी अभी गंदम की कटाई हुई हो। तो गंदम की कटाई के साथ ही आपको पता ही है कि सत्तू भी अवेलेबल हो जाता है, और सत्तू के अवेलेबल होने के बाद अब सत्तू के शरबत ना पिए तो इसका मतलब है आपने कोई एंजॉय नहीं किया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ले लिया सत्तू, और आपको पता होना चाहिए कि जो सत्तू आमतौर पर जो इस्तेमाल होता है वो जौ का ही सत्तू होता है, जो कि गंदम के साथ साथ उगता है। यहाँ पर हमने जौ का सत्तू ले लिया है, तकरीबन 300 ग्राम यहाँ पर है, लेकिन हम इसमें से इस्तेमाल 300 ग्राम नहीं करेंगे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर ले लिया हमने शकर। आपको मालूम होना चाहिए कि शकर के बहुत सारे फायदे हैं, यानी हमारे जो ग्रैनुलेटेड शुगर होती है उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन उसका आपको पता है नुकसान बहुत ज्यादा है, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं और वो उस वजह से नुकसानदेह शुमार होती है, इसलिए उसके इस्तेमाल से बेहतर है कि आप शकर इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर शकर हमने ले लिया 150 ग्राम। असल में ये क्वांटिटीज हमने इस हिसाब से लिए हैं कि हम इसको दो दफा बनाएं तो हमें इससे ज्यादा मिकदार में सत्तू मिल सकता है, लेकिन हमने इसकी आधी आधी क्वांटिटी इस वक्त इस्तेमाल करनी है। साथ ही तीसरी चीज जो हमें दरकार होगी वो है बर्फ, यानी अगर आपने सत्तू पीना है तो गर्म तो पियेंगे नहीं, क्योंकि गर्म पियेंगे तो मजा नहीं आने वाला, और जो गर्मी है वही वही रहेगी, इसलिए हमें बर्फ की जरूरत है। तो आइए आप इसको तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर ले लिया हमने एक ब्लेंडर, और ये ब्लेंडर के अंदर हम सबसे पहले शामिल करेंगे, तो दोस्तों इसके अंदर हम शामिल करेंगे शक्कर, और शक्कर इसके अंदर जाएगी 75 ग्राम, और दोस्तों अब इसके अंदर हम शामिल कर लेते हैं सत्तू, और ये सत्तू इसके अंदर जाएगा 150 ग्राम, और अब इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे पानी। दोस्तों वैसे तो आप इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपके पास ब्लेंडर है तो उसके जरिए से कीजिए, उसकी वजह से बहुत ही आसानी से काम होगा और बहुत ही बेहतरीन ये काम होगा। तो दोस्तों आप इसका ढकना लगा के तो अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। हार्डली चंद सेकंड के अंदर ही ये इसने अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना है, और जब मिक्स हो जाएगा तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे बर्फ। आप अपने हिसाब से जितना आप इसको ठंडा करने जाते हैं उस हिसाब से इसके अंदर बर्फ शामिल कीजिए, और दोस्तों अब इसके अंदर हम पानी भी थोड़ा इजाफा कर लेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर तकरीबन हमने 1.5 लीटर के करीब पानी शामिल किया है। हमने गर्म पानी शामिल किया था ताकि आराम से हमारी शक्कर जो है वो इसके अंदर हल हो जाए, और बाद में फिर हमने इसके अंदर मजीद पानी शामिल किया और साथ में बर्फ शामिल की। तो तकरीबन अब ये 1.5 लीटर के करीब पानी है, और इसके अंदर हमने 150 ग्राम सत्तू शामिल किए और 75 ग्राम इसके अंदर हमने शक्कर शामिल की। तो दोस्तों आप चाहें तो इसके अंदर चीनी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि शक्कर का ही इस्तेमाल करें। तो अब ये बनके तैयार है, तो इसको आप सर्व कीजिए आराम से। तो टोटल इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मिनट सवा मिनट लगाए और ये चीज बनके तैयार हो गई। यही चीज अगर आप हाथ से बनाएंगे तो शक्कर के हल होने में टाइम लगेगा। तो दोस्तों जो हमने आपको मिकदारें बताई थी उसके अंदर ये तकरीबन 3-1 लीटर बन जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमने ले लिया एक गिलास, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे अपने सत्तू। बिस्मिल्लाह। दोस्तों जब आप ब्लेंडर में इसको बनाएंगे तो इसका मजे की बात यह होगी कि सारी जो बर्फ है वो इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, और इसका जो टेस्ट है वो और भी एनहांस हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ माजिद अल्लाह को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।